वेलकम बैक टू डी एस क्लासेस, डी एस क्लासेस में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूँ दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास नाइन्थ कल्पना द स्टार की फुल एक्सरसाइज। सो जो भी बच्चे हमारे चैनल पर न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं रीड एंड लर्न से। जैसे कि लिखा हुआ है एस्ट्रोनाउट, एस्ट्रोनाउट मतलब होता अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला यात्री, मतलब अंतरिक्ष यात्री। वेजिटेरियन मतलब जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं उनसे बोला जाता है। डेडिकेटेड मतलब किसी को समर्पित करना। डॉरी मिनोट्री मतलब होता है, तो छात्रावास भी बोल सकते हैं इसको, या फिर बड़े बेडरूम बोलते हैं जिसमें बहुत सारे बेड्स हों। एरोनॉटिक्स मतलब होता है जो लोग, मतलब वैज्ञानिक लोग या फिर जो अंतरिक्ष के जो ज्ञानी विज्ञानी होते हैं उनको बोलते हैं। रिसर्च मतलब किसी चीज़ पर खोज करना। अनफॉर्चुनेटली मतलब कि अचानक से कोई चीज़ हो जाना। एस्टेब्लिश्ड मतलब कि कोई चीज़ सिम्बोलिस्ड, दैट मीन्स एस्टेब्लिश्ड मतलब कि स्थापित या साइट स्थापित। इंस्पिरेशन मतलब आदर्श। साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक। पेरिस्ड मतलब होता है नष्ट होना। इमॉर्टल मतलब होता है जो नश्वर। कॉलेजियस मतलब होता है जो हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले, या फिर आम उम्र। प्रॉमिशिंग मतलब वादा करना। ग्रीव्ड मतलब उदास होना। परमानेंट कोई चीज़ मतलब कि स्थाई। इमेजिनरी मतलब कि हमारी जो कल्पना होती है ना उसको बोलते हैं। स्पेशलिस्ट मतलब कोई चीज़, मतलब विशेषज्ञ है ना। इसके बाद मेट्रोलॉजिकल मतलब मौसम होता है, और रोबोटिक मतलब कोई भी प्रायोगिक काम किया हो। रोबोट मतलब तो सभी जानते हैं। ये चीज़ इसलिए बताइए क्योंकि आपके क्वेश्चन आंसर में हेल्प होगी आपको याद करने में। द वर्ड गिवन द टेबल आर मिस स्प्लेट मतलब स्पेल इट करेक्ट देयर स्पेलिंग्स एंड ऑल्सो राइट देयर मीनिंग विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। आपको कुछ ये टेबल्स हैं मतलब कि ये पूरा दिया हुआ है सारणी में, जिसमें ये मिस स्पेल्ड वर्ड है मतलब इनकी स्पेलिंग सही नहीं है, और आपको इसकी स्पेलिंग सही करनी है और मीनिंगफुल वर्ड्स लिखना है। तो स्ट्रिक्ट मतलब रिजिड होता है, दृढ़। मिशन मतलब इम्पोर्टेंट। असाइनमेंट या हम कुछ भी बोल सकते हैं जिसको, वो मतलब कोई भी चीज़ बहुत ज़रूरी हो करने के लिए। इंटरेस्टिंग मतलब इंटरेस्टिंग की स्पेलिंग ये होती है। इंटरेस्टिंग मतलब एग्जैक्टिंग मतलब रोचक जो हो। इंस्पायर्ड जो फोर्थ नंबर पे लिखा हुआ है उसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस द डिग्निटी मतलब कोई भी चीज़ को, आदर्श को आप प्रदान कर रहे हो या प्रेरणादायक हो। इसके बाद लिखा है एंटायर लिखा है जिसकी स्पेलिंग होती है ये, और उसका मतलब होता है पूर्ण होना कोई भी चीज़। जनरल मतलब सामान्य होता है, जिसको विल्ड स्प्रेड भी बोला जाता है। इंटरप्ट मतलब इसकी स्पेलिंग ये होती है टू हेल्ड हिडर रोकना। हिडर मतलब सॉरी इंटरप्ट मतलब रोकने, नहीं किसी चीज़ में छेड़छाड़ करना भी बोल सकते हैं। परफॉर्म मतलब होता है टू कैरी आउट प्रदर्शन करना। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट के माध्यम से अपना काम कर लेना। राकेश शर्मा जो थे वो एस्ट्रोनॉट थे, अंतरिक्ष यात्री थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे वो साइंटिस्ट थे। सर इसैशी न्यूटन जो थे वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन थे। अलेक्जेंडर जिसने टेलीफोन की खोज की थी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन और टू सेंटेंस, आपको एक या दो वाक में इनके आंसर देने हैं। When and where was Kalpana Chawla born? मतलब कल्पना चावला का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सो आंसर है Kalpana Chawla was born on 1 July 1961 in Karnal, हरियाणा। ठीक है, सेकेंड है what were her hobbies? उसकी आदतें क्या थी उनकी? तो आदतें भाई उनकी बहुत अच्छी अच्छी थी सही में। कि हर हॉबीज़ वर रीडिंग, फ्लाइंग, हिकिंग एंड बर्ड्स वॉचिंग। उनकी हॉबीज़ क्या थी? उड़ना। हिकिंग मतलब एक लंबी सैर करना। पक्षियों को देखना। ठीक है, अभी देखना। हु इंस्पायर्ड हर टू फ्लाई, उसे इंस्पायर किसने किया था उड़ान के लिए? देखिए आप लोग बोलते हैं, छोटा सा टाइम दीजिए मुझे, पाँच सेकंड का। आप लोग बोलते हैं मेहनत क्या होती है इस चीज़ में, सोचो खुद के मोबाइल में एडिट करना, उतना फैसिलिटी नहीं दे पाना। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हर एक फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी में वीडियो मिलेगी। बस एक
एक लाइक, एक सब्सक्राइब, ये चीज़ तो कर दी हूँ, और क्या मांग रहे हैं हम लोग। द इंडियन पायलट JRG टाटा इंस्पायर्ड हर टू फ्लाई। जो इंडियन पायलट थे JRD टाटा, उन्होंने उनको बहुत इंस्पायर किया था, किसको, कल्पना चावला को। व्हेन डिड सी फर्स्ट फ्लाइट इनटू स्पेस, उनकी फर्स्ट फ्लाइट कब थी स्पेस के लिए। सी फर्स्ट फ्लाइट इनटू स्पेस ऑन 19 नवंबर 1997 को थी, है ना। अभी देखते फिर, हाउ मैनी एक्सपेरिमेंट डिड द क्रो और फ्लाइट STS-107 परफॉर्म। चलिए देखते, द क्रो ऑफ फ्लाइट STS-107 परफॉर्म 80 एक्सपीरियंस इन स्पेस सक्सेसफुली। ठीक है, अभी देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 3 to 5 sentences। इनको 3 या 5 के उसमें आपको आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखना, व्हाट कोर्स डिड कल्पना चावला हैव टू गो थ्रू टू बिकम एन एस्ट्रोनाउट। उनको एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ा था। तो उन्होंने जो कोर्स किया था आफ्टर पासिंग हाई सेकेंडरी स्कूल, देखिए ये इसका क्वेश्चन है, इसका आंसर यहीं से होगा कि सेकेंडरी फ्रॉम टैगोर स्कूल कर्नर इन 1976 आई ज्वाइन द पंजाब इंजीनियर। यहाँ आई की जगह पर आप सी लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद चंडीगढ़ फॉर माय बैचलर हर बैचलर डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियर इन 1982 आई जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ सी लिख देना, ठीक है। इतना और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसको लिखा नहीं है क्योंकि मुझे ये बुक में ही मिल गया था, आप लोग भी ध्यान से देखेंगे तो मिल जाएगा। डिस्क्राइब द फर्स्ट स्पेस मिशन ऑफ द कल्पना चावला, आपको उसके फर्स्ट स्पेस मिशन के बारे में बताना है। तो सेकेंड आंसर ये रहा कि सी टुक ऑफ फॉर हर फर्स्ट फ्लाइट, माई की जगह पे हर लिख देना, फॉर हर फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलम्बिया ऑन 19 नवंबर 1997। द फर्स्ट वॉज कॉल्ड STS-87। आई वर्क विद माई 6 member स्पेस क्रो एज अ मिशन स्पेशलिस्ट। द प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेशन आई ज्वाइंड सी ज्वाइंड ओवर एवर मोमेंट ऑफ इट इन्जॉय एवर मोमेंट ऑफ इट। ठीक है, आई की जगह पे सी करना है, पूरा वही रहेगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। थर्ड क्वेश्चन है आपका ये कि डिस्क्राइब हर लास्ट स्पेस मिशन, उसके आखिरी मिशन को बताना है। तो यहाँ पर हर लास्ट मिशन विल बी द शैम स्पेस शटल कोलम्बिया। द फ्लाइट इज कॉल्ड STS-107। आई विल टेक ऑफ ऑन आई विल की जगह सी विल टेक ऑफ ऑन 16 January 2003 इन विल आई विल बी अ मिशन डेडिकेटेड टू साइंस एंड रिसर्च। वी होप इट परफॉर्म अ नंबर ऑफ साइंटिफिक एक्सपीरियंस इन स्पेस। बस इतना लिखना है, ठीक है। अभी उसमें क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थे इसलिए मैं लिख नहीं पाई थी, टाइम भी कम था। मेंशन सम ऑफ द ऑनर्स अवार्ड टू कल्पना चावला आफ्टर हर हीरो डेथ। उसकी डेथ के बाद उसे कौन कौन से अवार्ड मिले। तो बहुत ही प्यारे प्यारे अवार्ड जो मिले थे, एक आ हेवनली वॉर्ड वॉडी इज रिनेम्ड कल्पना चावला, एक नक्षत्र का नाम कल्पना चावला रखा गया। आ हिल ऑन द प्लांटेड मार्श इन आल्सो नेम आफ्टर हर, है ना। आ डैम डोर मिटोरी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2004 अंडर द सेम कल्पना चावला हॉल एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। एक छात्रावास का नाम कल्पना चावला, मतलब स्थापित किया गया एक छात्रावास को। आ सुपर कंप्यूटर वाज डेडिकेटेड टू कल्पना चावला बाय नासा, नासा में एक सुपर कंप्यूटर को कल्पना चावला को समर्पित किया गया। तो ऐसे रिवॉर्ड जो थे कल्पना चावला को मिले, है ना। अभी देखेंगे ये, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। शांता राइट्स नीटली दैट बॉय आर वेटिंग आउटसाइड सी लेफ्ट एयरली। ये जो अंडरलाइन है वो वर्ड्स कहलाती है एडवर्ब। द अंडरलाइन वर्ब टेल यू हाउ वेयर और व्हेन एन एक्शन टेक प्लेस। द वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब। एडवर्ब एड समथिंग टू मीनिंग ऑफ अ वर्ड एन एडजेक्टिव और एन अनदर वर्ब एडवर्ब। तो ये एडवर्ब होती है जो आपको बताती है कि ये एक्शन कौन सी जगह पे लिया गया है। तो इनमें आपको क्या करना है, जो एडवर्ब रहेगी उसको मतलब अंडरलाइन करनी। तो सी बिहेव्ड फूलिशली, वो बहुत ही ऐसे स्टूपिड वाली फील बिहेव कर रही थी। सी लुक्ड फॉर हर एवरीवेयर, एवरीवेयर ही इसका एडवर्ब है। लाउडली टुमारो ब्रेवली यस्टरडे हेयर स्लोली फैन
फास्ट देयर, ये सारे एडवर्ब्स एडवर्ब हैं। टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस, इसमें प्रीपोजिशन को लगाना है। डू नॉट एग्री, फर्स्ट फॉर्म के बाद हमेशा टू आता है। हिज प्रपोजल, रोहन इज पॉपुलर विथ अमंग क्लासमेट, हिज क्लासमेट, अमंग मतलब यहाँ उसकी पूरी क्लास की, एक से दो से ज़्यादा बच्चों की बात हो रही हो या दो से कुछ ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही हो तो अमंग ही यूज़ करते हैं ना। दे कॉन्ग्रेचुलेटेड द टीम अबाउट ऑन हिज सक्सेस, उनकी सक्सेस पर, उनकी विजय पर। हरी टेक्स इंटरेस्ट अबाउट, इसमें क्या आएगा, इन हिज स्टडी। बी अवेयर फ्रॉम डॉग ऑफ द डॉग, ये तो सुना ही होगा। मिस्टर दास वाज लेट फॉर हिज वर्क वाई एन आवर, जीतू इज टॉलर देन असलम, देखिए हमेशा कंपेरेटिव डिग्री में देन तो आता ही है। ही इज सीनियर टू मी इन सर्विस, गुड हेल्थ इज नेसेसरी फॉर सक्सेस इन लाइफ, आई प्रेफर मिल्क टू टी, ठीक है। अभी हम देखेंगे कुछ ऐसा, इमेज दैट यू आर अ रिपोर्टर ऑफ अ फेमस मैगनीज फॉर चिल्ड्रन, यू टू इंटरव्यू वन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ योर क्लास एज यू हैव कम टू नो दैट हैज अटेंड फर्स्ट प्लेस इन द डिस्ट्रिक्ट मिडिल बोर्ड एग्जामिनेशन। वो भी आपको एक इंटरव्यू लेना है एक बच्चे का, कॉन्ग्रेचुलेशन मास्टर दीपक, आई एम फ्रॉम द डेली टाइम्स, आपको बताना आप कौन से न्यूज़ रिपोर्टर हैं। तो दीपक जो है इस कन्वर्सेशन को फुल करना है। थैंक यू सर, प्लीज़ हैव अ सीट, रिपोर्टर बोलता है कि हाउ मैनी आवर्स डिड यू स्टडी डेली, तो दीपक बोलता है कि आई यूज टू स्टडी 6 to 8 hours, रिपोर्टर बोलता है वॉट इज़ योर एम इन लाइफ, तो वो दीपक बोलता है आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, बस इतना सा इंटरव्यू लेना है आपको। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आपको पैसेज सॉल्व करना है तो इसको टाइम वेस्ट ना करें, इसको पढ़ने में पहले इसका क्या कर लें, इसका क्वेश्चन देख लें आप लोग। इसका क्वेश्चन फर्स्ट दिया है कि व्हाट टू थिंग्स कुड द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड वाई चार्ल्स वेविस डू, तो इसका फर्स्ट आंसर आपको नंबर फोर्थ लाइन नंबर फोर्थ में मिल जाएगा कि द कंप्यूटर दैट यूज हैज़ यू यूज हैज़ बीन डेवलप्ड बाई सेवरल साइंटिस्ट वर्किंग इंडिपेंडेंटली और एज अ टीम, इट इज़ बीइंग इम्प्रूव्ड एवरी डे, ठीक है। अभी देखना सेकेंड क्वेश्चन जो है, वॉट इज़ डाटा, कंप्यूटर में डाटा क्या होता है, तो ऑल दैट इंफॉर्मेशन इट्स नीड टू डू समथिंग इज फीड इन टू इट, दिस इज इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा, वो इंफॉर्मेशन ही डाटा कहलाती है। वॉट इज कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, तो इसका आंसर यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक है। आपको कुछ शब्द पकड़ने रहते हैं जिसमें आपको आंसर मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने पकड़ा कंप्यूटर प्रोग्राम डाटा तो मुझे फटाफट आंसर मिल गया। इसमें अगर मैं पकड़ूँ कि लाइक ह्यूमन बींग, तो इसका आंसर मुझे यहाँ मिल जाएगा कि ये है ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। आप देखना द कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ अ मेमोरी, इट कैन ऑल्सो इंफॉर्मेशन दैट इट एंड यूज इट लेटर कैन देयर फॉर बी कंपेयर टू द ह्यूमन विंग्स, इसका कंपेरिजन हम ह्यूमन विंग्स से कर सकते हैं। और बेटर बताना है तो बेटर दैट आ ह्यूमन ब्रेन से कंपेरिजन करना है, तो इसका आंसर है इट कंप्यूटर भी लिख सकते हैं इट की जगह पर कि कंप्यूटर कैन सॉल्व प्रॉब्लम मच फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली दैन द ह्यूमन ब्रेन्स, इट कैन बी मेड टू, यहाँ तक ही लिखिएगा एंड लिख दीजिएगा कि द कंप्यूटर बेटर देन अ ह्यूमन ब्रेन। इन व्हाट वे इज़ द ह्यूमन ब्रेन्स बेटर देन अ कंप्यूटर, आपको ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर से बेटर बताना है, तो ह्यूमन ब्रेन्स बेटर ये लिखा है कि कंप्यूटर कैन नॉट टेक डिसीजन और थिंक अप न्यू आइडियाज, दैट इज़ वेयर इट कैन कंप्लीट विद द ह्यूमन ब्रेन्स, ठीक है। तो ये था कुछ इसका आंसर। अभी देखना मैच द कॉलम, इन वेरी लिटिल टाइम, छोटे वक्त में, इन अ फ्लैश बोल सकते हैं, करेक्टली विदाउट एनी मिस्टेक, तो क्या बोलेंगे एक्यूरेटली। थर्ड लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स, तो इसका आएगा कॉम्प्लिकेटेड। हु कैन डू समथिंग रियली वेल, इसका बोलेंगे एक्सपर्ट। फिफ्थ को बोलेंगे एग्जैक्ट, जो लिखा हुआ है इसका आंसर क्या होगा एक्यूरेट, एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल निश्चित या फिर बोलें तो सटीक, तो एक्यूरेट मतलब ही वही होता है, ठीक है। तो ये था कुछ फ्रेशर वर्ड्स इनकी, तो इनका आंसर आपको देना था। सो आप लोगों को अगर ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर थैंक यू लिखिएगा, और अगर आगे के एक्सरसाइज चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को पसंद आए तो,
शेयर करिएगा और हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।